मनीषा मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिंदू मुस्लिम एकता मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा एडिशनल एसपी को दिया गया मास्क व सैनिटाइजर। कोंडा, कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी के चलते लोगों की सुरक्षा को लेकर लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस संकट की घड़ी में गरीब, असहाय व मजबूर लोगों के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में कई तमाम समाज सेवी लोगों की मदद कर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। आपको बताते चले कि लोगों की सुरक्षा को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता मंच के संस्थापक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के दिशा निर्देश अनुसार कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज सेमरा व गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान निरंतर मास्क व सैनिटाइजर वितरण कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जिसे देखकर वजीरगंज क्षेत्र के पत्रकार दुर्गेश जायसवाल निवासी ग्राम रौजा भी लोगों की मदद को आगे आए और उनके द्वारा लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नीलम सिंह, अकबर हुसैन खादिम व गीता जायसवाल का विशेष योगदान और सहयोग रहा। योर रिपोर्ट रंजीत तिवारी, इटिया थोक। अब आपका क्या नाम है और आज कुछ वितरण किया आपने, क्या वितरण किया? मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है। मैं मास्क आज और सैनिटाइजर वितरित किया हूँ। एडिशनल स्टाफ को मास्क दिया गया है और गांधी विद्यालय में मास्क दिया गया है। कस्तूरबा विद्यालय में जितने लोग क्वारंटाइन थे सबको मास्क दिया गया है। मेरा निरंतर प्रयास यही है कि जो हमारे भाई बंधु वंचित हैं उनको मास्क हम लोग निःशुल्क देकर उनकी सेवा करें।